नए आईफोन्स की रोत आने वाली है तो फिर से आपको वही जंक खाए हुए किडनी मीम्स देखने को मिलेंगे और इस बार टोटल वही चार, दो प्रो और दो नॉन प्रो मॉडल्स आएंगे। ये तो भाई 11, 12 सीरीज के बाद से यही लाए जा रहे हैं, बट इस बार आईफोन 15 सीरीज में 9 मेजर चेंजेस आएंगे। हाँ, एप्पल की नजरों में मेजर, जिन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे और हाँ, प्राइस भी कुछ मेजर ही होने वाला है। स्टार्ट करते हैं महंगी बातचीत प्रो मॉडल्स से। सिमिलर 14 जैसे बॉक्सी डिजाइन के साथ थोड़ी सी कर्व्ड एजेस होंगी। अब कर्व्स किसको नहीं पसंद। हाँ, फोन्स में भी आईफोन 5 तक बॉक्सी डिजाइन था, देन 6 के बाद से एप्पल ने कर्व्ड एजेस दी जो लोगों को बहुत पसंद आई। देन 12 सीरीज के बाद दोबारा एप्पल बॉक्सी डिजाइन पे शिफ्ट हुआ और वो दोबारा लोगों को बहुत पसंद आया। तो इस बार एप्पल ने दोनों डिजाइन को मिला दिया, स्मार्ट मूव। एंड टाइटेनियम फ्रेम, तो स्टेनलेस स्टील के मुकाबले फोन काफी ज्यादा ड्यूरेबल होगा एंड थोड़ा हल्का भी होगा। एंड सिर्फ फोन ही नहीं, आपकी जेब भी काफी हल्की होगी। मैकबुक्स के माउस पैड पे क्लिक ना देके एप्पल एक वाइब्रेशन यूज करता है जिससे ऐसा लगे कि हमने क्लिक किया है, बहुत मजेदार। सेम वैसे ही आईफोन्स का खानदानी म्यूट बटन रिप्लेस हो जाएगा टू एन एक्शन बटन, जिसे क्लिक करके आप म्यूट तो कर ही पाओगे बट वो फुल्ली कस्टमाइजेबल होगा, तो आप उस पर कुछ भी कमांड सेट कर सकते हो, लाइक टॉर्च ऑन ऑफ करना, कैमरा खोलना एटसेट्रा। एंड बिल्कुल नई और काफी बेहतर 3 नैनोमीटर A17 बायोनिक चिप, जो कि A16 बायोनिक के मुकाबले 10-15% ज्यादा पावरफुल होगी। बट एप्पल की सारी चिप्स काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ होती हैं, तो परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान ना देके इसे बहुत ज्यादा, मतलब 35% ज्यादा एफिशिएंट बनाया है। मींस बैटरी कम चूसेगी और कैमरा प्रोसेसिंग काफी तगड़ी होगी। एंड स्पेशली 15 प्रो मैक्स में टेलीफोटो लेंस हटा के एक पेरिस्कोप लेंस होगा, क्योंकि भाई वो सैमसंग की तरह चांद की फोटो भी तो खींचनी है। बट मजाक से हटके यहाँ 6 या 7x जूम होगा, जिसमें बिल्कुल इमेज लॉस नहीं होने वाला, तो ये काफी एक्साइटिंग होगा। एंड पूरी 15 सीरीज में सी टाइप पोर्ट मिलेगी फॉर चार्जिंग, बिकॉज यूरोपियन गवर्नमेंट का डंडा था। एंड लाइटनिंग पोर्ट उतनी स्पीड भी नहीं दे पाती, बट बिना चोचनों के कैसे काम चल सकता है। तो सिर्फ MFI सर्टिफाइड केबल ही काम करेगी, मतलब कि एप्पल की खुद की, तो एक और खर्चा। और सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही थंडरबोल्ट सपोर्ट मिलेगा, मतलब कि ये जो साइन बना होता है जिससे फास्ट चार्जिंग होती है। अब भाई लोगों को प्रो मॉडल्स पे खींचने के लिए कुछ तो पैंतरे लगाने पड़ेंगे ना, जिसके लिए पिछले प्रो मॉडल से 20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो सिर्फ एक गुर्दे से काम नहीं चलने वाला। वैसे आज ही कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया। अबे 1.5 लाख के फोल्ड 5 को भी तो टक्कर देनी है ना। अब बात करते हैं इनके गरीब भाइयों की, मतलब नॉन प्रो मॉडल्स। अब इनमें ग्लॉसी बैक नहीं होगा, इनफैक्ट प्रो मॉडल्स की तरह मैट बैक मिलेगा। चलो ये चीज काफी काम की कर दी, बिकॉज ग्लॉसी बैक में एप्पल के लोगो से ज्यादा तेल वाली उंगलियां छपी दिखती थी। और एक मेजर चेंज, नॉन प्रो मॉडल्स में भी सेम डायनेमिक आइलैंड मिलेगा, तो शोशेबाजी के लिए 60-70 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्चने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अभी भी 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलेगी। मेरे हिसाब से भले ही डायनेमिक आइलैंड ना देते, लेकिन 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले जरूरी थी, बट अगेन शोशा, और मेरे कहने से क्या होता है। बट एक काफी मस्त चेंज आया इनके कैमराज में। नॉन प्रो मॉडल्स में भी 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, तो ऑब्वियसली क्वालिटी काफी तगड़ी हो जाएगी, बट ये सेम प्रो मॉडल्स वाला 48 मेगापिक्सल सेंसर नहीं होने वाला। एप्पल ने स्पेशली नॉन प्रो मॉडल्स के लिए नए 48 मेगापिक्सल के सेंसर्स यूज किए हैं, जो साइज में छोटे हैं, तो प्रो मॉडल से क्वालिटी हल्की ही रहेगी। और हाँ, पिछले साल के प्रो मॉडल्स का A16 बायोनिक उठा के इसमें डाल देंगे, प्राइस में ये अराउंड 80-90 हजार का आएगा। प्रो मॉडल्स नो डाउट काफी ज्यादा अपग्रेड हुए हैं एंड काफी अच्छे अच्छे चेंजेस भी हैं, बट प्राइस भी काफी ज्यादा ही अपग्रेड कर दिया। बट नॉन प्रो मॉडल्स में एज सच कुछ मेजर अपग्रेड्स नहीं लगे मुझे। बट हमारा कंटेंट हमेशा ताजा अपग्रेडेड मिलेगा आपको, तो सब्सक्राइब कर दो।